मामला बबीरू कस्बे का है, जहां बबीरू कस्बे के रहने वाले लोकतंत्र सेनानी रहे जयप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 75 वर्ष की इलाज के दौरान कानपुर अस्पताल में बीती रात मौत हो गई थी, जिसमें आज रविवार को दोपहर करीब 3 बजे लोकतंत्र सेनानी को अंतिम संस्कार के लिए कस्बे के ओरन रोड मुक्ति धाम पर ले जाया गया। वहां पर पुलिस के जवानों के द्वारा लोकतंत्र सेनानी को अंतिम बार तिरंगा झंडा के साथ सलामी दी गई। सलामी देने के समय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह सहित पुलिस लाइन से आए पुलिसकर्मी, नायब तहसीलदार लेखपाल राजेंद्र द्विवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में परिजन और रिश्तेदार कस्बावासी मौजूद रहे। वहीं परिजनों ने बताया कि जयप्रकाश गुप्ता आपातकालीन इमरजेंसी में सन 1975 में घर से गिरफ्तार किए गए थे, जो 5 महीने बांदा जेल में बंद रहे। इनके पिता जमुना प्रसाद गुप्ता, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी 2010 में मौत हो गई थी। लोकतंत्र सेनानी होने से बबेरू उप जिलाधिकारी नमन मेहता, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी घर पहुंचे और शोक प्रकट किया। NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ।